हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके पास क्लास 7 का सिल्वर जोन का जो पेपर है मैथ्स का वो लेकर आई हूँ। तो ये 2018 का पेपर है और टेस्ट पेपर सेट ए है ये। तो आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये रैशनल नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप दिख रहा है, जूम कर रही थी इसे। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, अभी क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं इसमें डायग्राम, और इसके ऑप्शन में वापस दिखाती हूँ। आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को और डायग्राम को देख लीजिए, फिर ये ऑप्शन के साथ भी आई विल ट्राई टू शो यू। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन नंबर 29 का डायग्राम है। ये ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 30, इसका डायग्राम, और यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, फिर वो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो आप रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 मिरर इमेज है। क्वेश्चन नंबर 34 ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 35, अभी क्वेश्चन नंबर जो 35 था उसके ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 36, इसके ऑप्शंस, अब पूरा क्वेश्चन भी मैं एक बार शो कर देती हूँ साथ में ऑप्शंस के। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, ये सेक्शन सी है स्कॉलर जोन का, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 41 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये 43 है, 44 है, 45, 46, 47, 48, 48, अभी इसके ऑप्शंस
और ये जो 49 है इसके ऑप्शंस, और ये लास्ट क्वेश्चन है 50। लेकिन मैं आपको 47 से वापस बता दे रही हूँ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, 48 इसके ऑप्शंस, ये 49 और ये 50। फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू। अगर आपको कोई भी पेपर की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।